तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के सामने ऑप्शंस के कॉल और लेफ्ट साइड दोस्तों आप देख सकते हैं कैश सेगमेंट का 5 मिनट का यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोगों के सामने ओपन है, और राइट साइड जायडस लाइफ साइंस का ही दोस्तों 690 की स्ट्राइक प्राइस 25 जनवरी के कॉल की एक्सपायरी का चार्ट यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने ओपन किया हुआ है। दोस्तों आपको थोड़ी सिमिलरिटी यहाँ दिख रही होगी इस तरफ, और सेम दोस्तों राइट साइड भी हम लोग कंपेयर करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं भाई ये दो स्टॉक दोस्तों में 1 जनवरी, जी हाँ दोस्तों हमारा न्यू ईयर वेलकमिंग हो रहा है यहाँ पर, तो 1 जनवरी 2024 के लिए दोस्तों पहला स्टॉक जो मैं लेकर आया वो है SBIN शॉर्ट सेल साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों को जब भी इसका ब्रेकडाउन देगा तो दोस्तों ध्यान से समझना, ये जो अलर्ट दिख रहा है दोस्तों ये आप लोगों को अलर्ट आ जाएगा जब भी इसका ब्रेकडाउन करेगा, तो इसका अलर्ट आ जाएगा दोस्तों टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे अलर्ट किस तरह आएगा आप लोगों को इस तरह दोस्तों दिखेगा, इंट्राडे शॉर्ट सेल कॉल एक्टिवेटेड। तो जब भी इसका ब्रेकडाउन देगा आप लोगों को टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाते हुए जब ये इस ग्रीन लाइन पे यहाँ पर आएगा तो भी आप लोगों को दूसरा अलर्ट आ जाएगा। क्या रहेगा दोस्तों उस अलर्ट में दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, उस अलर्ट में रहने वाला है ट्रेड क्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम लोगों को इस तरह मॉनिटर करना। तो चलिए फिर अब इसी सेकेंड स्टॉक, इसका हम ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। अब सेकेंड स्टॉक जो था दोस्तों ये बाई साइड है, ध्यान देखना दोस्तों मैंने क्या किया, SBIN एक स्टॉक शॉर्ट सेल की तरफ लाया हूँ, एक स्टॉक बाई साइड की तरफ लाया हूँ। दोस्तों स्टॉक बच के जाने ना पाए, मार्केट अप मूड में हो तो हमारा ये वाला कॉल एक्टिवेट हो, डाउन मूड में हो तो SBIN एक्टिवेट हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई ये जो ब्लू लाइन का जो अलर्ट है ये कब ट्रिगर हो, जब इसका ब्रेकआउट कर दे, और ये ग्रीन वाला कब ट्रिगर हो, जब यहाँ पे आ जाए तो फिर हमारे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती है। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं जैसा मैं इनिशियली आपको बताता था जायडस लाइफ में मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर लेफ्ट साइड दोस्तों, जब मैं देखना इसको लेफ्ट साइड को मूव कर रहा हूँ तो राइट साइड वर्टिकल डॉटेड लाइन भी मूव हो रही है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों वो इसका हाई, मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन दोस्तों मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ की हुई है जायडस में, तो ये देखिए ये वाली लाइन दिख रही है। तो जब भी ये इसका ब्रेकआउट देगा तो आपको अलर्ट तो आ ही जाएगा, लेकिन ऑप्शंस में दोस्तों थोड़ी देर बाद अलर्ट आएगा, ध्यान रखना भाई इस वाली बात को। पहले यहाँ पर कैश सेगमेंट का ब्रेकआउट होगा, उसके थोड़ी देर के बाद यहाँ मैं ऑप्शंस का भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है। पहले इसका एक्टिवेट होने देना, उसके बाद दोस्तों ये थोड़ी देर से टाइम दिखे की वजह से ये थोड़ा देर से ब्रेकआउट देगा, तो मैं इसको इस तरह नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ ही मैंने ओरिजेंटल लाइन लिए तो यहाँ भी हम ओरिजेंटल लेंगे। अब बोलोगे कि भाई यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन थी वो यहाँ पे टच हो रही थी, यहाँ पे टच क्यों नहीं हो रही है? टाइम डिके की वजह से दोस्तों, डेल्टा की वजह से, आप लोगों को पता होगा। तो इसलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो है पहले ब्रेकआउट देगा, लेकिन ये कॉल जो है ये प्रीमियम देर से ब्रेकआउट देगी। दोस्तों अगर ब्रेकआउट देगी तो मैं प्राइस आप लोगों को अभी से बता सकता हूँ, ये 32.2 ये इसका दोस्तों कॉल का कल हमारा बाइंग रेंज रहने वाला है। अब चलिए फिर सेकंड स्टॉक चल लेते हैं, लेफ्ट साइड जो मैंने दिया था यहाँ पर SBIN शॉर्ट सेलिंग दिया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं SBIN की तरफ, लेफ्ट साइड दोस्तों में SBIN का एक मिनट, कैश का मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन कर लिया है, 5 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन है, और राइट साइड में कर लेता हूँ पुट का। अब बोलोगे भाई पुट का क्यों, ध्यान से देखना दोस्तों, पुट का मैंने क्यों किया है, क्योंकि पुट का दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ टूटेगा तो हम लोग यहाँ पे पुट बाई करना है यहाँ पर। तो अब भाई मैं पुट के लिए दोस्तों प्रॉफिट कब होगा, जब ये रहा नीचे की तरफ जाएगा ये स्टॉक, ठीक है, ये रहा। मैं पुट का एक बार आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ब्लू लाइन यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनाया, तो यहाँ भी दोस्तों मैं सपोर्ट बना लिया। अब हम प्रॉफिट कब होगा पुट पे, जब ये नीचे जाएगा तब यहाँ पर दोस्तों ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये देखो तो थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में सोचना है, ये स्टॉक नीचे जाना चाहिए तब हमारा यहाँ पे एक प्रॉफिट बनता हुआ हमारा दिखेगा। तो पहले दोस्तों ये ब्रेकडाउन करके ये एक्टिवेट ब्रेकडाउन देगा, उसके थोड़ी देर बाद ये ब्रेकआउट देगा। प्राइस दोस्तों मैं अभी से बता देता हूँ, 17-17.5 रुपये के आसपास इसमें PUT को हमको बाई करके चलना है। तो फ्रेंड्स इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में, तो आप सभी का 2024 एक प्रॉफिटेबल ईयर्स बने। तो आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।